नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन योर ईवीएस क्लास। दिस इज योर पूजा मैम। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर गुड। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक, दैट इज ऑन पेज नंबर 77। सो स्टूडेंट्स, प्लीज ओपन द पेज नंबर 77 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। यस, पेज नंबर 77। And today's topic is houses that can be moved from place to place, means ऐसे घर जो हम एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सके, right? जो हमारे permanent घर होते हैं उसको तो हम एक जगह से move नहीं कर सकते दूसरी जगह पे, right? तो आज हम ऐसे घर के बारे में पढ़ेंगे जो एक जगह से दूसरी जगह पे हम easily move कर सकते हैं। Before starting the explanation, I hope you all have done your homework, that is new words of our previous topic. Our previous topic was types of roofs and types of houses. So students, let's start today's topic. Kaccha and pakka houses are permanent houses. जैसे कि हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था, two types of houses. First is kaccha house and second is pakka house. So students, what is kaccha house? Yes, the house that are made of bamboo, mud, straw and dry leaves are called kaccha house. Aisa ghar jo bamboo se, mitti se, straw se ya phir dry leaves se bana ho, aise ghar ko hum kehte hain kaccha house. For example, a mud hut, bamboo hut. Okay, and next is pakka house. What is pakka house? Houses that are made of wood, bricks, cement and iron rods are called pakka house. Aisa ghar jo wood, bricks, cement ya iron rod se bana ho, aise ghar ko hum kehte hain pakka house. For example, apartments, buildings, cottage, right? These all are the example of pakka house. So students, kaccha house and pakka houses are permanent house. ऐसे घर कैसे होते हैं? Permanent होते हैं. क्यों? क्योंकि ये ground पे fixed होते हैं, right? Ground पे ऐसे घर जो है वो fixed होते हैं, इसीलिए हम उन्हें permanent house बोलते हैं. उनको हम एक घर एक जगह से दूसरी जगह पे move नहीं कर सकते. These are houses that are fixed to a place and cannot be moved from one place to another. जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक जगह पे fixed होते हैं, इसलिए हम इन्हें एक जगह से दूसरी जगह पे move नहीं कर सकते. Some houses are not fixed at a place and can be move from one place to another. और कुछ ऐसे घर होते हैं जो हम एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं, वो जो होते हैं एक जगह पे फिक्स्ड नहीं होते हैं. ओके, अ टेंट, अ कारावेन एंड अ हाउस बोट आर एग्जाम्पल ऑफ सच हाउसेस. आपने टेंट, कारावेन, हाउस बोट, इन सब के बारे में आपने प्रीवियस यानी कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ा ही होगा. टेंट मतलब, आई विल शो यू द पिक्चर, दिस इज कॉल्ड टेंट. कारावेन, टेंट एंड दिस इज अ हाउस बोट, राइट? कारावेन क्या होता है? एक बहुत बड़ा वैन जैसा घर होता है जो एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली हम मूव कर सकते हैं, राइट? इसमें बहुत सारे लोग एक साथ बैठ सकते हैं, उसमें सो सकते हैं, उसके अंदर छोटा सा किचन भी होता है, राइट? ताकि उसमें हम खाना भी बना सके. तो दिस इज कॉल्ड कारावेन एंड दिस इज टेंट. टेंट हम कब यूज करते हैं? जब हम कभी माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए जाते हैं या फिर कभी पिकनिक के लिए जाते हैं कहीं हिल स्टेशन वगैरह में, राइट? तब हम अपना पूरा घर उठा के तो हिल स्टेशन नहीं लेके जा सकते, राइट? तो हम किसका यूज करते हैं? टेंट का. दिस इज अ हाउस बोट. ये आपको कहाँ पे देखने को मिलती है? प्लेसेस लाइक जम्मू कश्मीर,
राइट, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी होता है वहाँ पे ये बोट हाउस यूज़ करते हैं, राइट। इसमें भी हम ट्रैवल कर सकते हैं थ्रू वाटर, वाटर से हम एक दूसरी जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ हाउसेस विच कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरे जगह पे हम इन हाउसेस को लेके जा सकते हैं। अ कारावेन इज लाइक अ हाउस ऑन व्हील्स एंड कैन बी ड्रिवन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दिस इज अ कारावेन, राइट। ये किस पे मूव करता है? व्हील्स पे, इसमें व्हील होते हैं, राइट। तो इसको हम एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं। अ हाउस बोट इज बिल्ट ऑन अ बोट, इट कैन सेल ऑन वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हाउस बोट क्या होता है? वो बोट पे बना होता है, राइट। बोट पे बना हुआ हाउस को हम कहते हैं हाउस बोट। वो किसमें सेल, किसमें ड्राइव करते हैं? हम वाटर में, वाटर में हम उसको चलाते हैं, सेल ऑन वाटर। अ टेंट इज अ हाउस मेड ऑफ अ फ्रेमवर्क कवर्ड विथ अ थिक क्लोथ। टेंट क्या होता है? एक फ्रेमवर्क होता है जो एक थिक क्लोथ से ढका हुआ होता है, राइट। इट कैन बी फोल्डेड एंड कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हम जो है टेंट को एकदम छोटे से फोल्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पे अपनी कार के अंदर रख के ले जा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द हाउसेज विच कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कारावेन, टेंट एंड हाउस बोट। नाउ टर्न योर पेज। टेंट आर कॉमनली यूज बाय नोमाड्स। नोमाड्स का मतलब क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ पीपल हु मूव अराउंड। नोमाड्स मतलब ऐसे बहुत सारे लोगों का ग्रुप जो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते रहते। दे आर पीपल हु ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू फाइंड फ्रेश पेस्टर टू गेज देयर एनिमल। फ्रेश पेस्टर मतलब कि अपने एनिमल्स के लिए न्यूट्रिशन वाला खाना ढूंढने के लिए वो एक जगह से दूसरे जगह पे मूव करते हैं, राइट। जैसे हम सबको खाने की ज़रूरत होती है वैसे एनिमल्स को भी खाने की ज़रूरत होती है ना, तो ये जो नोमार्स जो पीपल होते हैं वो अपने एनिमल्स के लिए खाना ढूंढते हैं, इसलिए वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते हैं। नोमार्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड लिव इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंट्स। जो नोमार्स होते हैं वो पूरे वर्ल्ड में होते हैं, राइट। तो वो अपने अपने जगह के हिसाब से अलग अलग टाइप के टेंट्स में रहते हैं। यार्ट एंड टीपी आर एग्जाम्पल्स ऑफ टेंट यूज बाय नोमाड्स। सो दिस इज यार्ट एंड दिस इज टीपी, दिस आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ टेंट विच नोमाड्स आर यूजिंग। ओके, जो नोमाड्स यूज करते हैं ये उनके थोड़े से एग्जाम्पल है, यार्ट एंड टीपी। सो स्टूडेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड में बहुत सारे नोमाड्स रहते हैं अलग अलग कंट्री में, राइट। तो अपने जगह के हिसाब से उनके टाइप का वो टेंट बनाते हैं, फिर उसमें वो रहते हैं। सो स्टूडेंट्स, हियर वी कंप्लीट द टॉपिक ऑन हाउसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ रूफ्स, राइट। वॉट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूफ्स? यस, फर्स्ट वन इज फ्लैट रूफ, स्लोपिंग रूफ एंड डोम शेप रूफ, राइट। दीज आर द डिफरेंट रूफ्स ऑफ हाउसेस। एंड वॉट आर द मटेरियल्स वी यूज टू मेड हाउसेस? यस, मटेरियल्स यूज टू मेक हाउसेस आर सीमेंट, ब्रिक्स एंड आयरन रॉड्स, राइट। पक्का हाउसेस आर मेड अप ऑफ वुड, ब्रिक्स, सीमेंट एंड आयरन रॉड्स। एंड कच्चा हाउस आर मेड अप ऑफ बैम्बू, मड, स्ट्रॉ एंड ड्राई लीव्स। एंड स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न हाउसेस दैट कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ऐसे हाउसेस जो वन प्लेस टू अनदर इजीली मूव कर सकते हैं। कौन कौन से हाउसेस है वो?
caravan, tent and houseboat. So students, here we complete our topic on houses, the material used to make houses, different types of roofs of houses and houses that can be moved from one place to another. So students, now take a pencil with you and note down today's new words. On we will start from page number 77. Yes, our first word is permanent. Permanent, right? Next is caravan. Caravan. Houseboat. Houseboat. Tent. Tent. Then sail. Sail. Sail मतलब पानी के ऊपर तैरना या चलाना. Now turn your page. Next word is nomads. Nomads, a group of people who moved around. Nomads का मतलब group of people जो इधर उधर घूमते रहते हैं. Then pasture. Pasture. Gaze. Gaze. Yacht. Teepee. So students, these are the new words which you have to write in your EVS notebook on the same page which you have written earlier new words. Okay, आपने जो पे पहले new words लिखे थे उसी page में ही आप आज के new words भी लिखेंगे. Different page use करने की ज़रूरत नहीं है. Now students, as you can see here, here question is given. Correct the false statement by changing the underlined word. ये जो word underline किया है उसको हमें change करके sentence को correct करना है. This also you have to do but in your textbook only. आपको ये सिर्फ textbook में ही लिखना है. Okay? So let's start with the first one. All houses are made of the same material. Means जो भी सारे घर है वो same materials के बने होते हैं. No, तो आप यहाँ पे कट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे different, DIFFERENT, different. जो सारे घर है वो different different material से बने होते हैं. Houses built on the mountain sides have dome shaped roofs. जो houses mountains के sides पे बने होते हैं वो dome shape होते हैं. Is it correct? No, it is sloping roof. तो क्या लिखोगे आप? SLOPING, sloping, ROOF, roof, sloping roof. Okay. Next is, a bamboo hut is an example of a pakka house. बैम्बू से जो हट बना होता है वो पक्का हाउस का एग्जाम्पल है? No, वो एग्जाम्पल किसका है? कच्चा हाउस. KACHCHA, कच्चा हाउस. KACHCHA, कच्चा हाउस. अ कारावैन इज अ हाउस ऑन अ बोट. कारावैन बोट पे होता है? नो. तो किस पे होता है वो? व्हील्स पे. किस पे होता है? व्हील्स पे. तो आप ये कट करके यहाँ पे लिखोगे व्हील्स, WHEELS, wheels. Now, next is, stilt houses are built from block of ice. जो stilt house होता है, पानी के ऊपर जो house होता है, वो ice से बना होता है, block of ice से? No, it is made up of bamboo poles, BAMBOO, bamboo poles. तो आप इसको cut करके बैम्बू पोल्स यहाँ पे आप आंसर लिखेंगे. सो स्टूडेंट्स, न्यू वर्ड्स आपको ईवीएस नोटबुक में लिखना है और ये आपको क्वेश्चन जो है वो टेक्स्ट बुक में ही करना है. ओके,
I hope you all understand. Now, here we complete our today's video. In next video, we will do about clothes. Clothes we wear, right? Clothes we wear. I hope you will all revise the topic and try to read the new topic. So, that's all for today. See you in next video. Bye-bye.